25 मई और भाजपा गई। जितना पैसा इन्होंने कांग्रेस को और राहुल गांधी को बदनाम करने में लगाया है, अगर इतना पैसा है देश के विकास कार्यों में लगाते तो आज हमारा देश कहां का कहां पहुंच गया हो। और स्मृति ईरानी जो है झूठ के पलंदे बांधती है, उसने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मैं दिलवाऊंगी, कहां दिलवाई है 13 रुपए तो चीनी। आज 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, वो सर पे लेके घूम रही थी, आज कहां है वो, आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर है। ये सिर्फ इन्होंने एक प्रोपेगंडा फैलाया हुआ है कि हिंदू और मुसलमान करना है, इनके पास भी इसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई मुद्दे की राजनीति नहीं है, ये सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। कहां डंका बज रहा है इसके अंदर? बिहारी बाबू अपना गाना गाए और गाना बजाए, उसके बजाय 400 बार कांग्रेस की सरकार, बार बार हम करें आवाज उठाने वाला नेता चाहिए, न कि वो गाना नाच करने वाला नेता। नमस्कार, अभी हैं हम मौजपुर में और मौजपुर में जो कांग्रेस की रैली निकली हुई है, आज कन्हैया कुमार का नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन कार्यालय में जो है इस तरह से कितनी जन सैलाब की भीड़ है आप हमारे कैमरे के थ्रू देख सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जन सैलाब जो है कांग्रेस की यात्रा जो है, इसमें आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी शामिल है, वो CPI-M का। नमस्कार, अभी हम जहां मौजूद हैं वो है उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली का मौजपुर का कांग्रेस कार्यालय, और किस तरह से यहां पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है कन्हैया कुमार का आज नॉमिनेशन में। कन्हैया कुमार ने आज यहां अपना जो है नॉमिनेशन किया, 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है और उसी के लिए तैयारियां जोर शोरों से है, और किस तरह से जो जनता है जो उनके साथ है, हम देख रहे हैं पिछले लगातार जो है जो कार्यकर्ता है जो उनके साथ आए हुए हैं उनको अपने कंधे पे उठा के, और कन्हैया कुमार भी जो अपने हाथों में संविधान की प्रस्तावना लेकर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो भाजपा नहीं, वो कांग्रेस लड़ रही है, वो कांग्रेस का ये काम है कि संविधान बचाएगी। और हमारे साथ यहाँ एक भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम सिद्दीकी है। सर, इस बार जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, और 25 मई को ही जो है कह रहे हैं कि मनोज तिवारी के हम इस बार हैट्रिक लगाएंगे, आपका क्या कहना है इस पे? 25 मई और भाजपा गई, 7 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, और आप भी देख रहे हैं जनता के अंदर कितना जोश है और बीजेपी के खिलाफ कितना रोष है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक सड़क के ऊपर कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ काम किया है तो हम लोगों के दिलों को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है, और इन्होंने एक नारा और दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको चला दीजिएगा, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और अमित शाह गृह मंत्री हमारे, जिनके हाथ में पुलिस है, फौज है, प्रशासन है, सब कुछ उनके हाथ में है। अगर कन्हैया कुमार दोषी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के दोषी हैं, तो उनको आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि डॉक्टर कन्हैया कुमार ने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, उनके ऊपर कोई दोष जुर्म साबित नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग का, तो ये सब इन्होंने झूठी अफवाह फैला रखी है और ये बौखलाए हुए हैं। इस टाइम ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये 150 के अंदर सिमट के रह जाएंगे। आप कह रहे हैं 25 मई भाजपा गई, लेकिन राहुल गांधी जो खुद हैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़के रायबरेली जा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि डरो मत भागो मत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, वो जो अपनी परंपरागत सीट है उनकी, वहाँ से वो लड़ने के लिए गए हैं, सीट छोड़ी कोई सी नहीं है उन्होंने, वहाँ पर भी उनके अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं शर्मा जी हमारे, वो बहुत मजबूत नेता हैं और वो जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। कल के चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, जो ये इलेक्शन लड़ रही है, वो परिवार के लिए लड़ रही है, अपने परिवार के लिए लड़ रही है, उनके साथ जो दल हैं वो भी अपने परिवार के लिए बस ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं मोदी जी से या बीजेपी से क्वेश्चन है मेरा एक, क्या उनके अंदर परिवारवाद नहीं है? क्या राजनाथ जी का बेटा नहीं कहीं से कोई चुनाव लड़ रहा है? क्या और लोग जो है इनके अंदर वो परिवारवाद नहीं करते? आज अमित शाह जी का बेटा जो है क्रिकेट का वो बना बैठा है, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? और स्मृति ईरानी जो है झूठ के पलंदे बांधती है, उसने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मैं दिलवाऊंगी, कहाँ दिलवाई है 13 रुपए तो चीनी आज तक? ये सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बताइए कितनी नौकरियां दी इन्होंने? इन्होंने सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दी इन्होंने, हवाई जहाज बेच दिया इन्होंने, और क्या क्या बेचेंगे? आज तक बनाया तो कुछ है नहीं। जितना पैसा है इन्होंने कांग्रेस को और राहुल गांधी को बदनाम करने में लगाया है, अगर इतना पैसा है देश के विकास कार्यों में लगाते तो आज हमारा देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। आपने दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड्स में देखा होगा मोदी जी की फोटो लगी हुई है, साथ साथ ये नारा लगा हुआ है कि भ्रष्टाचारियों को हम हटा रहे हैं और कांग्रेस ही बचा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। सब झूठ है,
तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया है? ये देखिए सब इनका षड्यंत्र है। ये हार से इतने बौखला गए हैं कि ये देखो दो दो हमारे इन्होंने चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है, कहीं वो प्रचार ना कर पाए। ये सब झूठ का पुलंदे फैला रहे हैं। केजरीवाल जी हमारे अभी बाहर आने वाले हैं और फिर देख लीजिएगा इनका क्या हाल करेंगे वो। कांग्रेस पार्टी सर्वे कराएगी, मकान ले लेगी, भैंस ले लेगी। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, आज तक हमने कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक राज किया है, ठीक है। बताइए किस बहन का मंगलसूत्र छीना गया है, किस भाई की जमीन छीन करके दी गई है। ये सिर्फ इन्होंने एक प्रोपेगंडा फैलाया हुआ है कि हिंदू और मुसलमान करना है, इनके पास में इसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई मुद्दे की राजनीति नहीं है। बताइए आज तक इन्होंने कौन सा कॉलेज बनाया, बताइए कौन सा हॉस्पिटल बनाया है। आज तक इन्होंने कोई भी कोई कार्य नहीं किया, बल्कि जो 55 साल में कांग्रेस ने बनाया था इन्होंने उसको बिगाड़ने का काम किया और इन्होंने उसको बेचने का काम किया। नहीं, मोदी जी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है बहुत सारे काम हुए हैं। सड़क मंत्रालय की बात करें तो 54,000 किलोमीटर जो है नई सड़क बनी है और विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है विश्व के अंदर? आप मेरे को एक बात बताइए, चलिए सड़क बना दी होंगी इन्होंने, कोई हॉस्पिटल बनाया आज तक? पूरा हिंदुस्तान में कोई पिछले 10 सालों में कई एम्स तो नहीं है, कहीं नहीं बना। बताइए दिल्ली के अंदर क्या बनाया इन्होंने? ना इन्होंने कोई कॉलेज बनाया आज तक। जो हमारे कॉलेज बने हुए भी हैं और उनको भी और बिगाड़ने काम कर रहे हैं ये लोग, और हॉस्पिटल बना रखे हमने। बताइए जो ये दवाइयाँ बांट रहे हैं वो नकली दवाइयाँ हैं इनकी, जो ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो नकली दवाइयाँ हैं। सब कुछ जाँच करा लिया गया उनका। चलिए हमने आपसे बात की, और सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमालुद्दीन हाशमी है। जनता कह रही है कि महंगाई है, लेकिन मोदी जी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि आमदनी भी काफी बढ़ी है। देखिए आमदनी का तो कहीं से कहीं तक कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि ना किसी के पास जॉब है ना बिजनेस है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जो हमारी एक्सपोर्ट नीति थी वो छिन्न भिन्न हो गई है, जो हमारे को ड्रॉबैक आते थे उसके अंदर से वो सब कुछ खत्म हो गए हैं। सिर्फ जो है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा पर काम हो रहा है। सिर्फ बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल सेम अंग्रेजी पैटर्न पे चल रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप सही मायनों में पूछो। भाजपा की एक सदस्य हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं, जिनका नाम है कंगना रानौत, तो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। उनका तो कहना है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के। मनु समृद्धि की आज़ादी मिली है, दलित की आज़ादी नहीं है, माइनॉरिटी की आज़ादी नहीं है। वो जो आज़ादी की बात कर रहे हैं वो आज़ादी नहीं, वो तो बल्कि गुलामी है। आप देखिए उसको, पढ़िए क्या है उसके अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें एक सीट ये उत्तर पूर्वी जिला भी आता है, और यहाँ मनोज तिवारी अपनी हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, और बिहार के लाल कन्हैया कुमार भी आए। देखिए मनोज तिवारी जी का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। ये तो ऑलरेडी अपना चुनाव पहले ही हार चुके हैं। ये तो सिर्फ जो है एक, क्योंकि परंपरा है कि जो आदमी जीता हुआ है उसको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, और वो परंपरा वो हो रही है। ये 2,00,000 वोट भी पार नहीं करेंगे आपके। लेकिन आपकी पार्टी में भी काफी इस्तीफे हुए कन्हैया जी, जब ने आज चुनाव करने लड़ने का ऐलान किया गया तो आपकी पार्टी में भी जो है कई लोग छोड़ के चले गए। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती होगी, यही कह सकते हैं इसमें तो। क्या हम इस बात को मान के चलें कि भाजपा की जो विचारधारा है वो देश में ज्यादा बढ़ती जा रही है, कि कांग्रेस के लोग भी उसको अपना रहे हैं और ठीक चुनाव के पहले उसको छोड़ के जा रहे हैं? भाजपा की विचारधारा ईडी से सीबीआई से बढ़ रही है। आज किसी के पीछे ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ चल देगा। लेकिन मोदी जी तो अपने भाषण में कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के दम पर अगर चुनाव जीता जाता तो कांग्रेस कभी चुनाव हारती ही नहीं। देखिए मोदी जी तो आपको मालूम है क्या क्या कहते हैं। उन्होंने तो अभी पिछले दिनों ये कह दिया कि जी लवण भुज्यम, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनका कोई पता नहीं है वो क्या कह दें, वो कब किस आदमी पर आरोप लगा दें, कब किस आदमी को कह दें कि ये जो है देशभक्त है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा मामला है भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे वो नापते हैं यूं करके वो, और वो जो है देशभक्त हो जाता। देशभक्ति का कोई काम एक गिनवा देंगे हमारे को। अभी ये वैक्सीन के ऊपर आप पंत हॉस्पिटल जाइए, आपको पता चलेगा हर 5 मिनट में एक हार्ट अटैक दिल्ली के अंदर हो रहा है, हर 5 मिनट में। और डॉक्टर्स पूछते हैं
कि आपने वैक्सीन लगवाई है क्या? अब आप बताइए क्या है हिंदुस्तान? 55 लाख आदमी मरा है, कौन जवाब देगा उसका? मोदी जी देंगे ना उसका जवाब? 5 महीने घरों में बिठा दिया, लोगों के स्कूल कॉलेज खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गए, दुकानें खत्म हो गई, कौन जिम्मेदार है इसका? जब आपके पार्टी के साथ जिन्होंने अनाउंस किया है वो सावन में मटन और मछली खा रहे हैं और वो लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ये हर आदमी का व्यक्तिगत मामला है, वो क्या खाता है क्या पीता है उससे किसी को कोई मतलब होना नहीं चाहिए। मोदी जी जो है 50,000 रुपए किलो की मशरूम खा रहे हैं, हम कह रहे हैं उनसे खाओ खूब। लेकिन आप हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदू संस्कृति सब जगह एक जैसी नहीं है ना, हिंदू संस्कृति दिल्ली में कुछ है, यूपी में कुछ है, और जहाँ सी फूड मिलता है वहाँ पे कुछ और है, गोवा में बोलो वो सब गोवा के अंदर कुछ और है। क्या गोवा में? क्या गोवा में? गाय का मीट मिलता है, खुला मिलता है, और उस पर जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, उन्होंने कहा था कि हम कभी बीफ की कमी नहीं आने देंगे। और रही बात स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी बोलती थी जब अब से 10 साल पहले 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, वो सर पे लेके घूम रही थी, आज कहाँ है वो? आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर है। तो आमदनी भी तो काफी बढ़ गई है ऐसा कह रहे हैं। तो इससे क्या मतलब है आमदनी बढ़ गई है? तो गवर्नमेंट जो 250 रुपए का 350 रुपए का सिलेंडर था वो आपको महंगा लग रहा था, आपकी सरकार ने आते उसको 1100 रुपए कर दिया, तो अब एकदम से आमदनी बढ़ गई? हमें तो लगता नहीं कहीं आमदनी बढ़ गई। हमारा तो अब इससे पहले से डाउन हुआ, जो पहले मेरे पास 15 आदमी काम करते थे। कन्हैया संविधान की प्रस्तावना लेके जुलूस निकाल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब समझा जाए? क्या मतलब समझा जाए? कन्हैया कुमार जो है डॉक्टर हमारे एक पढ़े लिखे इंसान है और वो सब कुछ जानते हैं। हाँ। किसको कैसे चलाना। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूम रही थी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी, आज कन्हैया अपना नॉमिनेशन में आए हैं तो संविधान की प्रस्तावना लेके घूम रहे हैं। हाँ तो वो जो उनको संविधान बचाने की लड़ाई को आप ये दिखाना चाहते हैं? संविधान प्लस देश बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस वक्त संविधान भी खतरे में और हमारा देश भी खतरे में। ये सिर्फ चंद बातें कहते हैं कि हिंदू खतरे में, बताओ हिंदू कहाँ? आप अभी हम देख रहे हैं कि मौजपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है नॉमिनेशन में आए हुए कन्हैया को, मोहब्बत की दुकान खुल गई है, वो मकान तोड़ा है, इससे मकान बनवाएंगे, इससे आप मकान बनवाएंगे, भाजपा कार्यालय को तोड़वाएंगे, इससे मकान बनवाएंगे, भाजपा कार्यालय को तोड़वाएंगे और मकान बनवाएंगे, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जो कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन में बुलडोजर पे लोग बैठ के जो है उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है लगातार, अब यहाँ कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? तो सर उत्तर पूर्वी जिला से सर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? जी मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर भी आप 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, 2 बार से यहाँ सांसद हैं मनोज तिवारी, तो क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का आपका? मुझे तो लगता है कि मनोज तिवारी जी आएंगे जहाँ तक है। मनोज तिवारी जी आएंगे, लेकिन जिस तरह का जन सैलाब आप देख रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से जो कन्हैया कुमार का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? कौन जिताएगा ये सैलाब? सैलाब जिताएगा। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ लोगों ने जो है मनोज तिवारी का नाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर जो है जन सैलाब के नाम से कि यहाँ कन्हैया कुमार जीतेंगे ऐसी बात की जा रही है। यहाँ और एक कुछ लोग हैं, हम धीरे धीरे अपना सफर आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ जो हम कुछ अपने इस सफर में स्थानीय नागरिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और बाकी हम ये देख रहे हैं कि जो पोस्टर है उसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ठीक उनके नीचे कन्हैया कुमार खड़े हैं। इस तरह का जन सैलाब जो है कन्हैया के समर्थन में उमड़ा हुआ है। अगर आप बगल के मोहल्ले में देखें तो बालकनी में भी जो है यहाँ की स्थानीय जनता उनके समर्थन में निकली हुई है और इस कड़ी धूप में भी जो है कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। कन्हैया कुमार अपने हाथों में संविधान की प्रस्तावना लिए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? मनोज तिवारी बोल रहे कि मैट्रिक मारने कन्हैया कुमार यहाँ आए हैं, यहाँ से कन्हैया कुमार ही निकालेंगे, वो बिहारी बाबू अपना गाना गाए और गाना बजाए। हाँ। उसके पश्चात 400 बार कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। अब की बार 400 बार मोदी जी बोल रहे 140 करोड़ जनता मेरे साथ। मोदी जी तो कहते रहते हैं ना भाई, लेकिन ये देखो आवाम खुद बता रही है, पब्लिक खुद बता रही है, ये कन्हैया कुमार की ताकत है। कन्हैया
कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते नहीं, देख लो कौन सा किसके साथ। मनोज तिवारी ने जो अभी रैली निकाली थी किराए की गाड़ियों से निकाली थी, हमारे कार्यकर्ता को देखो कि पैदल कार्यकर्ता चल रहा है। ये केजरीवाल की मोहब्बत है, दोनों की मोहब्बत एक साथ है, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, केजरीवाल की, सबकी मोहब्बत। सारे चेहरे आपको जाने माने दिख रहे हैं, तो किराए की भीड़ नहीं है यहाँ पे। हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार देख रहे हैं ढोल लगा लो के साथ कन्हैया कुमार कुमार का जो जुलूस है आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो जन सैलाब है ये पूरी तरह से कन्हैया के साथ खड़ा है। 25 मई भाजपा गई कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ये नारा लगा रहे हैं, और हम बालकनी में देखते हैं कि जो स्थानीय नागरिक है वो लगातार जो है उन्हें देवेंद्र यादव जो कि अभी ठीक दो दिन पहले उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली का चुनाव अध्यक्ष संभाला है, और कन्हैया कुमार लगातार इस जन सैलाब से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोग क्या कहेंगे सर? कन्हैया कुमार जीत रहे हैं और तिवारी जी यहाँ से सफरा साफ हो रहा है। हमें वैसा ही नेता चाहिए जो सड़क से लेके सांसद तक संघर्ष करे, हमारे मुद्दे को सांसद में ले जाए। सड़क से लेके सांसद तक उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार, इनका कोई विकल्प नहीं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आपकी बार हैट्रिक मारेंगे। वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको फिल्म में जाना चाहिए, उनकी कैपेसिटी फिल्म इंडस्ट्री की है। कन्हैया कुमार यही दिल्ली में जेएनयू के अध्यक्ष बन के और आज दिल्ली के सड़क पर है, और दिल्ली के जनता की आवाज संसद में गुजरेगा कन्हैया कुमार के द्वारा। सारी तमाम तबलीग कन्हैया कुमार के साथ। क्या क्या कारण है कि कन्हैया के लिए इतने लोग उमड़े हैं? युवा, हाँ। युवा युवा को एक ही विकल्प है, हाँ। सिर्फ और सिर्फ कन्हैया को, जो कि आवाज उठा सकता है, हाँ। बार बार हम करें आवाज उठाने वाला नेता चाहिए, ना कि वो गाना नाच करने वाला नेता।